थाना सिविल लाइंस के हरतला मंगल का बाजार स्थित सारा डेंटल क्लिनिक पर दबंगों द्वारा हमला कर दिया गया। हमले की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित डॉक्टर दंपति द्वारा थाना सिविल लाइंस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ित दंपति का ये कहना है कि क्षेत्र के ही दबंग परिवार द्वारा उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और अब दबंगों द्वारा उनके मकान पर ही हमला बोल दिया गया। मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो गई है। पीड़ित द्वारा शिकायती पत्र सौंपने के बाद न्याय की गुहार लगाई जा रही है। शिकायतकर्ता डॉक्टर सरफराज का कहना है कि उनके ही मोहल्ले के एक दबंग परिवार द्वारा लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। विगत दिनों क्षेत्र के ही गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सुलह समझौता कराकर मामले को रफा दफा किया गया था, लेकिन दबंगों द्वारा कल शाम एकत्र होकर जान से मारने की नीयत से उन पर हमला बोल दिया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया है। अब पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। सिटी चैनल संवाददाता ने जब इस घटना को लेकर पीड़ित डॉक्टर दंपति से बात की तो उनके द्वारा इस तरह अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया गया। सर, मामला ये है कि कल 5 बजे करीब हम अपने बच्चों के साथ सो रहे थे, तो इस सामने वाले हैं जिनका नाम कासिम भाई है, उनका बेटा हमारे यहाँ आया 5:30 बजे। हमारे पास इसके प्रूफ वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो हमारे हस्बैंड से बात करने के लिए 2-4 गुंडों को लेकर आया था, लेकिन हमें ऐसा मालूम नहीं था। लेकिन बाद में वीडियो देखने के बाद पता चला कि ये कुछ लोगों को लेकर आए थे। उसके बाद जो है 6 बजे करीब मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हुए, वो आकर पूछने लगा डॉक्टर साहब को। मैंने मना कर दिया कि वो अभी सो रहे हैं, इस वक्त बात नहीं करेंगे। फिर वो चले गए। फिर वो 6 बजे अचानक आते हैं और हम लोग सब घर में होते हैं और मेरी बेटी और मेरे ससुर जी वो बाहर स्कूटी पर खड़े थे और मेरे हस्बैंड भी गेट पर खड़े हुए थे, देख रहे थे कि वो कासिम उनका लड़का आया था, वो उनसे बात करने, वो है कहाँ। तो अचानक बहुत सारी टीम लड़कों की लेकर बाइक से आते हैं, उनके बाइक के नंबर भी हैं हमारे पास, वीडियो है पूरी। तो ये लोग जैसे देखते हैं पापा इनके हाथ में डंडे हैं, तो हमारे पापा ससुर जी हमारे फादर इन लॉ सारे हमारी पूरी फैमिली को और मुझे मेरे हस्बैंड को अंदर करके दरवाज़ा लगा देते हैं। इतने में ये लोग पूरे डंडे और लाठी और जो मूसले टाइप के बहुत मोटे मोटे डंडे हैं इनके, वो लेके पूरे गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। इतना मैं देखती हूँ मेरी बेटी कहाँ है, भगदड़ हो जाती है, हमें आइडिया नहीं रहता कि हमें फ़ोन करना क्या करना। तो मुझे अपनी बेटी की फिक्र होती है, मैं उसी लड़ाई में बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। वो डंडा लेके ऐसे मारते हैं गेट में और वो पार होके उस शीट से मेरे पेट में लग गया था। वो काफ़ी देर मुझे दर्द रहा, उसके लिए रात भर में सोई भी नहीं। फिर मैं डंडों इतने में एक रास्ते से गुजर रहे थे हमारे जाने वाले, उन्होंने उनकी डंडे लाठी छीन ली और मैं दरवाज़ा खोल के लोगों की भीड़ में ही बाहर चली गई अपनी बेटी को उठाने के लिए। मेरे ऊपर भी इन लोगों ने आक्रमण करने की कोशिश की और इन लोगों ने बहुत बुरा किया। अच्छा, आपके द्वारा शिकायत कर दी गई पुलिस में अभी नहीं? कल शाम को तो ऐसा अचानक हुआ और फिर हमारे पड़ोसी ऐसा हमारे साथ कर सकते हैं, इस चीज़ का थोड़ा हमें समझ में ही नहीं आ रहा था ये मसला हो क्या रहा है। और मुझे तो खासकर पता ही नहीं था कि मसला है क्या इन लोगों का। जब तक हम समझ पाते कि शिकायत करें, फ़ोन लगाएं और इतने बड़े लोग आते हैं और बीच बचाव करते हैं और जो है कसम खिलाते हैं कि नहीं अब इस मसले को यहीं सॉल्व कर दिए, हम माफ़ी तलाफ़ी करा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ना वो माफ़ी मांगनी थी है, ना वो अपने अफसोस ज़रा भी वो जाहिर कर रहे हैं अपने। इतने सारे लड़कों के साथ, वो हॉस्टल के लड़के थे, कोई एक इनके भोला हैं, भोला भोला करके इनके कोई कज़िन, उनके बेटे थे 2, उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से लाठीचार्ज किया है। उसमें मेरे भी चोट लग सकती है, मेरे हस्बैंड की चोट लग सकती है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब मुझे मेरे घर पे कल शाम अचानक से 6 बजे के टाइम पर अचानक से 10-12 लड़के मेरे घर के आसपास घूमने लगे और फिर अचानक से उन्होंने मेरे घर पे हमला कर दिया। पोकी डंडों से लैस थे और शायद उनके पास हथियार भी थे। इस डर से मैं अपने घर में रहा और मेरे बच्चे घर से बाहर थे और उन्हें बहुत बुरी तरीके से झगड़ा कराया। ये आपके साथ मारपीट क्यों कर रहे थे लोग इस तरह से? ये मसला बहुत पुराना, मेरे सामने वाला जो मेरे पड़ोसी हैं उन्हें मैं 2 लाख रुपये पहले 13 साल पहले दिए थे कुछ काम के लिए, वो मैंने मांगे, वो मांगने के उसमें उन्होंने मुझे धमकाया, बोले आ तुझे हम बाहर निकल गया घर से मारेंगे। मैं घर से बाहर नहीं निकला तो लड़कों को लेकर मेरे घर पे चढ़ाई कर दी उन्होंने। अच्छा, अब आपके द्वारा शिकायत कर दी गई रात ही? हाँ, शिकायत 100 नंबर पर हम लोगों ने डायल किया, 100 नंबर डायल किया था, वो लग नहीं रहा था, इमरजेंसी बताया था, लेकिन आज सुबह हम लोगों ने 4 बजे शिकायत की। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि भाई इनके, क्योंकि मैं एक रेपुटेटेड डॉक्टर हूँ अपने लोकेलिटी का और मुझे अपनी जान माल का खतरा है, मुझे अपने बीवी बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए और मैं उस पर्पज से चाहता हूँ कि भाई मेरे घर पे जो लोग आए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो और मुझे अपनी सुरक्षा की थोड़ी सी
सर्टी मिल जाए।